Hello everyone, I am Atai Sama and welcome to my channel. In previous lesson, we have discussed and completed the fourth part of question number 2 of exercise 3.4. Number 1, the next part, and the fifth question is the last question of this exercise. Okay. Now the question is, a lending liability has a fixed charge and for the first 3 days. कोई लाइब्रेरी है मान लो वहाँ पे आपको फिक्स चार्ज है पहले 3 दिन के लिए आप जाओ तो आपको कोई चार्ज नहीं से होता है ना डेमो क्लासेस होते हैं डेमोज के लिए फ्री 5 डेज 7 उसी तरह से दैट इज़ अ लाइब्रेरी एंड यू हैव गॉटन 3 डेज फॉर फ्री 3 दिन के लिए कोई चार्ज नहीं देन आफ्टर एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर और उसके बाद 3 दिन के बाद से आपको एडिशनल चार्जेस पर डे लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपको याद होगा इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था आपको पर किलोमीटर चार्ज किसी ट्रैवल करो टैक्सी में आप टैक्सी वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था पिछले एक्सरसाइज में उसमें टैक्सी का फिक्स चार्ज था देन आप तो ऑटो रिक्शा पर किलोमीटर चार्ज अलग था सेम उसी तरह का है ओके नाउ नेक्स्ट इज सरिता पे 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज सरिता ना एक बुक लिया 7 डेज के लिए कितना दिन के लिए बुक ली और उसने ये पे किया उसने तो कितना 27 रुपीज़ ठीक है अब ध्यान से सुनो इन्होंने कहा पहले 3 दिन के लिए क्या है आपका फ्री तो पहले 3 दिन इसमें से माइनस कर लो बचे कितने 4 मतलब 3 दिन के लिए आपका कॉस्ट फ्री है 4 दिन के लिए आपको जो लगेगा लगेगा और इसका आएगा कुछ कितना 27 यहाँ तक के लिए मान लो आपको फिक्स चार्ज कितने है वो नहीं पता कितने टाइम्स तो 3 दिन के लिए मान लेते हैं एक्स ओके तो यहाँ आप लिखोगे लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे बी वाई रुपीज़ रुपीज़ में है तो रुपीज़ में ही ले लो अब ध्यान से देना चलो यहाँ तक ठीक है उसके बाद फिर इसने कहा शशि फिर से बुक लेती है 21 रुपीज़ पे करती है कितने दिन के लिए तो 5 डे के लिए तो शशि फिर से आई आपकी 5 डेज के लिए तो 3 तो आपका हो गया फ्री के लिए तो फिक्स चार्ज बचा कितना 2 ये देती है 21 रुपीज़ अब भाई देखो ध्यान से देखना फिक्स चार्ज आपने क्या माना था एक्स तो 3 दिन के लिए क्या हो जाएगा तो ये फिक्स जो है आपका फिक्स चार्ज तो आपका चेंज नहीं होगा 3 दिन के लिए फिक्स है इसकी वैल्यू आपने क्या माना एक्स तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स एक्स अब पर डे चार्ज 1 दिन के लिए आपने माना है यहाँ पे कितना रुपीज़ वाई इट इज़ व्हाट रुपीज़ वाई तो 1 दिन के लिए वाई अगर है तो 4 दिन के लिए कितना होगा 4 × y ये क्या हो जाएगा 4 y टोटल अमाउंट कितना दिया इसमें 27 सिमिलरली यहाँ पे फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तो फिक्स है एक्स 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा क्या होगा 2 y इन्होंने पे किया 21 तो इक्वेशन कैसे बना समझे यही इम्पॉर्टेंट था यहाँ अब इक्वेशन मैं लिखूँ यहाँ पे सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला इक्वेशन देखो इट इज़ व्हाट एक्स प्लस 4 y इक्वल्स टू 27 ये आपका फर्स्ट है एंड हाँ नेक्स्ट है एक्स प्लस 2 y इज इक्वल टू व्हाट 21 दिस इज योर व्हाट सेकेंड इक्वेशन अब ध्यान से देखना आप यहाँ पे क्या सेम है एक्स का कोएफिशिएंट सेम है तो इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो आप क्या लिखोगे नाउ फर्स्ट माइनस सेकेंड वी गेट माइनस कर दो तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी इसको तो नोट कर ली होगी इरेज कर रहा मैं हाँ जी तो पहला आपका है व्हाट एक्स प्लस 4 y इक्वल टू 27 अदर इज एक्स प्लस 2 y इक्वल टू व्हाट 21 इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन यहाँ चेंज ये गया एक्स कैंसिल इट विल बी व्हाट 2 y इक्वल टू ये हो जाएगा 6 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 by 3 sorry 2 तो ये हो जाएगा आपके y की वैल्यू कितनी हो गई 3
ये कहाँ से आया, 2 3 6, वाई की वैल्यू 3 आ गई आपकी। अब पुट कर दो किसी एक में, मान लो सेकंड में कर रहा मैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन सेकंड वी गेट। ओके सर, अब फर्स्ट में से ला सकते हो, उससे भी ला सकते। तो पहले मैंने कहा था वहाँ करोगे जहाँ पे आपको लगे जो कॉफिशेंट छोटा है। तो कॉफिशेंट छोटा किसमें है, x प्लस 2y इक्वल्स टू व्हाट, 21। इसमें वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू तो y का निकालो, तो x प्लस 2 इंटू 3 विल बी 21। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 21, एंड देन आफ्टर इट विल बी x इक्वल्स टू 21 माइनस 6, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ जी क्लियर, तो हो जाएगा 15। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू, क्लियर। नाउ क्या लिखोगे, एक्स क्या थी, फिक्स चार्ज, तो रुपीज़ में था फिक्स चार्ज, पर डे चार्ज कितना, 3। तो लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस वी गेट, हेंस वी गेट क्या, तो फिक्स चार्ज चार्ज विल बी रुपीज़ व्हाट, 15, एंड दूसरा चार्ज क्या माने थे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल बी चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे विल बी रुपीज़ 3। ओके, तो दिस वाज योर आंसर, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर सॉल्व, इट इज 3.5। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।